आज हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने वाले हैं। कैसे काम करता है, क्या होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में, कैसे इसको इसकी असेंबली होती है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एबीएस भी आपको, ये नाम आप जानते होंगे, एबीएस अब बहुत सारी बाइक्स में, अपाचे वगैरह में स्टार्टिंग में आई थी, पल्सर में, फिर अब कार्स वगैरह में भी आने लगा है। कार में तो वैसे बहुत पहले से आ रही थी, बाइक्स वगैरह में अब आने लगे हैं। मैक्सिमम आपको एबीएस ही देखने को मिलेगा। एबीएस क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, एबीएस ऑपरेट बाय प्रिवेंटिंग द व्हील फ्रॉम लॉकिंग अप ड्यूरिंग ब्रेकिंग, देयर बाय मेंटेनिंग ट्रैक्टिव कॉन्टेक्ट विद द रोड सर्फेस। तो जब हमारी व्हीकल मूव करती है तो वो कॉन्टेक्ट सर्फेस से कॉन्टेक्ट में रहती है। ठीक है, अब अचानक अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, हार्ड ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, मतलब बहुत तेजी से ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा? तुरंत कुछ ही सेकंड्स में आपकी व्हील फुल्ली लॉक्ड हो जाएगी। तो व्हील जब लॉक्ड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो कांटेक्ट है सरफेस से वो छूटने लगेगा और आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है, ये जो अचानक क्या हो रहा है, व्हील लॉक होने का, जो अचानक से आप हार्ड ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हो और तुरंत आपका व्हील लॉक हो जा रहा है, इस लॉकिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही थी, क्लियर हो गया क्या? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहले के कार्स में जब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब आप जब कभी अचानक से हार्ड ब्रेकिंग अप्लाई करते थे, या टर्निंग पे हो, या फिर कोई अचानक सामने आ गया, तो हार्ड ब्रेकिंग जब अप्लाई करते थे तो जो कॉन्टेक्ट रहता था आपका जमीन से, वो कॉन्टेक्ट अचानक व्हील लॉक होने से कॉन्टेक्ट छूटने लगता है, तो आपकी गाड़ी स्किड करती है, स्लिप करती है। ठीक है, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी ये चीजें, या अचानक लॉक होने का, क्विक लॉक होने का, जो व्हील क्विक लॉक हो रहा था, उसको रिमूव करने के लिए हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करेंगे। तो यहाँ दो डायग्राम दिख रहा है, विथ एबीएस और विदाउट एबीएस। आप ध्यान से देखो, ये हमारी कार है, कार जब मूव कर रहा है तो अचानक हार्ड ब्रेक से, देखोगा स्टेयरिंग पे भी काफी एफर्ट पड़ता है। आप हार्ड ब्रेक करते हो, आप स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपकी गाड़ी स्किड करती जाएगी। जिधर आप टर्न किए हो ना, आप ब्रेक दबाए, आप स्किड करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। आप स्टेयरिंग एफर्ट पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो, ये कवर करता है। और कभी कभी तो स्टेयरिंग सिस्टम के टिथ वगैरह जो है, इतना हार्ड ब्रेकिंग कारण टूट जाते हैं, या आपकी जो टाई रॉड है वो टूट जाती है स्किड करने से। ठीक है, तो ये देखो, विदाउट एबीएस आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी जब आप करोगे, विथ एबीएस जब आप एबीएस यूज करोगे तो आपकी गाड़ी आराम से, इजिली, स्मूथली मूव कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। टर्निंग पे आप ब्रेक लगाओ, आप जब टर्न कर रहे हो, चक्का यहाँ पे टर्न है, आप ब्रेक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, इजिली आप स्टेयरिंग कंट्रोल, आपका स्टेयरिंग भी फुली कंट्रोल में रहेगा, और आप इजिली, स्मूथली आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे, और आपको कोई ऐसी स्किडिंग का कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, ये तो हमने जान लिया कि भाई क्यों यूज करते हैं एंटी ब्रेक सिस्टम, क्योंकि भाई इनको स्मूथ स्टेयरिंग सिस्टम चाहिए, स्लिप स्किडिंग नहीं होनी चाहिए ब्रेक लगाने पे, हार्ड ब्रेक लगाने पे, ये सब तो ठीक है। बट एबीएस काम कैसे करता है, क्या करता है, ये क्यों ऐसा होता है, ये स्मूथली निकल जाता है, क्योंकि ये व्हील को डायरेक्टली क्विक लॉक नहीं करता है। एबीएस व्हील को क्विक लॉक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, अप्लाई करेगा आपके रोटर, जो भी आप डिस्क रोटर या फिर ड्रम ब्रेक जो भी यूज कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई करेगा, फिर छोड़ देगा, अप्लाई करेगा, छोड़ देगा। 1 सेकेंड में 18 से 22 23 बार ऐसा होता है, 1 सेकेंड में, समझ लीजिए, 1 सेकेंड में 18 से 20 बार ऐसा ब्रेक लगता है, छूटता है, लगता है, छूटता है। तो इससे क्या होता है, आपकी व्हील क्विक लॉक नहीं होती है, इसलिए ये आराम से, इजिली, फ्लो फ्लो के साथ, आप जिधर टर्न कर रहे हो, आप ब्रेक लगा रहे हो, हार्ड ब्रेक लगाओ, चाहे जो जिस टाइप का भी ब्रेक लगाओ, आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं होना होता है। ठीक है, ओके, तो कैसे काम करता है हमारा एबीएस, क्लियर हो गया? ये क्विक लॉक नहीं करता आपकी व्हील को, लॉक करेगा फिर छोड़ देगा, लॉक करेगा छोड़ देगा, ब्रेक एक्ट करेगा हट जाएगा, ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे काम करता है। इसलिए आप इजिली, स्मूथली आप अपने व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल भी रहता है, ये तो ठीक है। बट ये करता कैसे है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम हमारा है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मेन डिवाइस, ये कंट्रोल यूनिट, ईसीयू। इसी पूरे डिवाइस में ये राज छुपा, कैसे ये ब्रेक अप्लाई करता है, हटता है, करता है, हटता है, कैसे करता है ये डिवाइस। तो कैसे ये डिवाइस काम करता है और क्या करता है एक्चुअली, ये सब हम यहाँ पे, ये जो मेन फिगर है, इस मेन फिगर में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे देखो, ये आपका डिस्क रोटर है,
ये ब्राउन कलर से जो दिख रहा है ये आपका डिस्क रोटर है। इस डिस्क रोटर पे आपका लगा हुआ है कैलिपर, दिस इज कैलिपर, ठीक है। ये आपका डिस्क रोटर है और ये माउंटिंग है इसका, जो आपकी व्हील से ये माउंट रहता है। ये आपका जिस व्हील लगा होता है, व्हील पे ये हमारा माउंट होता है और उस बीच में लगा होता है हब। हब पे ही एक्चुअल में ये माउंट रहता है, ठीक है। हब पे माउंट रहता है और ये नट बोल्ट से व्हील पे अटैच होता है, ठीक है। हब नाउ ये हमारा डिस्क रोटर है, ये ब्राउन कलर का, ये ब्लू कलर से हमारा दिख रहा है, दैट इज कैलिपर। तो कैलिपर काम कर, ये जो सिस्टम है ये जैसे पुराना हमने पढ़ा था ना डिस्क ब्रेक, वैसा ही काम करेगा। फ्लूइड जो है ऑयल, ये कैलिपर कैसे काम करता है, ऑयल प्रेशर से। ऑयल आता है कैलिपर में, प्रेशर जो पैड लगी, ये देखो ये दोनों पैड्स हैं, इस पैड पे ऑयल प्रेशर एक्ट करता है। तो ये पैड क्या करता है, हमारे डिस्क रोटर पे फोर्स अप्लाई करता है और फ्रिक्शन के कारण पैड और ये डिस्क रोटर में आपकी व्हील रुकने लगती है, ठीक है। ये जैसे हमने डिस्क रोटर में इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा, सेम वही काम है। बट इसमें जो ब्रेक, क्योंकि एक बार ऑयल आया और अप्लाई किया तो ब्रेक तो लग ही जाएगा ना, व्हील तो लॉक हो जाएगी। फिर ये कैसे कैसे काम कर रहा है कि व्हील लॉक हो रहा है, फिर छूट रहा है, लॉक हो रहा है, छूट रहा है, ये कैसे हो रहा है? हम तो ऐसा कर नहीं रहे, ब्रेक लगा रहे, छोड़ रहे, फिर ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वही आपको बताना, इसमें लगा होता है सेंसर, क्लियर है। ये जो आपका हब है, इस हब में एक छोटा सा पिनियन अटैच होता है, ठीक है। इस हब में एक छोटा सा पिनियन ऐसा अटैच होता है, गियर्स टिथ बने होते हैं उसपे, और एक सेंसर लगा होता है। जो ये देखो ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये सेंसर इधर लगा है, दिस इज सेंसर, ठीक है। तो जब आपके देखो ये टिथ है ना, ये टॉप टिथ है, टिथ है, टिथ है, टिथ है, तो जो सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, ये सेंसर इसके पल्स को मेजर करेगा। जैसे जब ये टीथ इसके पास होगा, फिर जब ये टीथ यहां से हटेगा तो इस टीथ का गैप ज्यादा होगा तो ज्यादा पल्स होगा। मतलब जो पल्स बनेगी जब टीथ एकदम, टीथ का जो टॉप पॉइंट है, दिस इज टॉप पॉइंट, जब सेंसर के एकदम सामने आ जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है डिस्टेंस कम होगा तो आपका जो पल्स रेट होगा ऐसा होगा, छोटा सा पल्स रेट होगा, ठीक है। और जैसे वहां से हटा तो ये गैप जो है, ये गैप ज्यादा हो जाएगा, दो टीथ के बीच में जो गैप होता है, तो इससे आपका पल्स ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा छोटा सा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ऐसा पल्स रेट बनेगा। तो ये पल्स रेट कौन मेजर करता है, ये सेंसर ये पल्स रेट को क्या करता है, हमारे ईसीयू तक भेजता है। ये जो सेंसर है इस पल्स रेट को हमारे ईसीयू तक भेजता है। तो ये ईसीयू क्या करता है, ये जो मेन, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज, यहाँ पे ईसीयू हमारा पूरा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल यूनिट रहता है। इसमें क्या, एक एक्चुएटर और एक सोलेनाइड लगा रहता है, ठीक है। सोलेनाइड क्या करता है, जो वाल्व है उसको ओपन और क्लोज करता है अकॉर्डिंग टू पल्स रेट। ज्यादा पल्स रेट होगा तो ओपन, छोटा पल्स रेट है तो क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे, या इसका वॉइस वर्सा एक्चुएटर। तो ईसीयू क्या करता है, अपना जो जो भी ईसीयू ने जो पल्स रेट, वो पल्स रेट एक्चुएटर को भेजता है। एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएट होता है फिर ऑफ कर, इस सोलेनाइड को एक्टिव करता है। जो सोलेनाइड लगता है मैग्नेटिक हुआ ना, सोलेनाइड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पाने पर वो मैग्नेटिक की तरह इफेक्ट करने लगता है। तो सोलेनाइड पे मैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रिक करेंट आता है तो मैग्नेट की तरह एक्ट होता है। तो फिर क्या करता है, वो जो वॉल्व यहाँ पे जो ये वॉल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को ओपन क्लोज अकॉर्डिंग टू पल्स रेट, ये अपने सोलेनाइड इस वाल्व को ओपन क्लोज ऐसा करता रहता है। तो जैसे हमारा, अगर ये वाल्व जो ऑयल है, इस जो आपने प्रेशर यहाँ पे क्या किया, आपने ब्रेक पैड अप्लाई किया, ये अपना मास्टर सिलेंडर है, ये रिजर्वायर जिसमें ऑयल हमारा रहता है। तो जब पिस्टन को प्रेस किया था, जो सारा ऑयल जो है इसके थ्रू होते हुए आपके कैलिपर तक ऑयल आ रहा है, बट बीच में हमने एक वॉल्व लगा रखा है जो क्या करेगा, इश्यू से जो भी पल्स रेट है, इसी से आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है एक्चुएटर के हेल्प से, जो उसको कंट्रोल करता है। तो ईसीयू क्या करता है, ईसीयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो एक्चुएटर कैसे काम करता है बताया, सोलोनाइड कैसे ओपन क्लोज होगा ये भी क्लियर हो गया। तो जो जो प्रेस क्या करता है, जब ये क्लोज हो जाता है वॉल्व, जब अपने वॉल्व क्लोज कर देता है, जो मेन लाइन है, इस लाइन को जब वॉल्व क्लोज करता है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑयल का है वो कट हो जाता है। उस कट होने से क्या होता है, हमारा कैलिपर रोटर से हट जाता है, डिसइंगेज हो जाता है, डिसइंगेज हो जाता है, ठीक है। जब हमारा वॉल्व क्लोज होता है तो डिसइंगेज होता है। फिर क्या, जैसे ये जो पल्स रेट, इसको ये बड़ा वाला पल्स रेट मिलेगा तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, जो प्रेशर आपने दिया है वो प्रेशर फिर अप्लाई होगा आपके कैलिपर पे और कैलिपर आपका इंगेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा वाल्व का खेल है।
वाल्व का खेल और बोला जाए तो ये पल्स रेट जो जनरेट हो रहा है सेंसर और इस पिनियन के बीच, पिनियन आपका इस हब पे फिट रहता है, जैसे जब ये रोटेट होता है तो ये भी रोटेट होता है, ठीक है। तो सेंसर इस टिथ का टॉप पीक और वैली के थ्रू ये ऐसा एक पल्स रेट जनरेट करता है। इस पल्स रेट को ईसीयू तक भेजता है। ईसीयू क्या करता है, एक्चुएटर को ये सिग्नल भेजता है। एक्चुएटर इस सिग्नल को वेरीफाई करके उस सोलेनाइड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इस पल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगा, और सोलेनाइड इस पल्स के अकॉर्डिंग अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा छोड़ेगा, जनरेट करेगा छोड़ेगा। तो सोलेनाइड के मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करना और छोड़ने से क्या होता है, जो वॉल्व अटैच है वो वॉल्व ओपन क्लोज होता है, और उस वॉल्व के ओपन क्लोज होने से हमारा ब्रेक इंगेज डिसइंगेज होता है, ठीक है। ऐसा 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में ऐसा 18 से 20 बार होता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू।